सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। हमने शुरू किया था क्लास 11th फिजिक्स से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स, और इसका आज हम देखेंगे लेक्चर क्रमांक 2। लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको सिखाने वाला हूं एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। साथ ही साथ हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि वेक्टर्स को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ी और ज्यादा क्लियरिटी आएगी जो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था उसके रिगार्डिंग। इस चैप्टर के सारे नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो शिवम झा क्लास 11 एंड 12 सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। जो भी चैप्टर्स मैंने कवर किया है सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था वो मैं एक बार आपको स्लाइड करके दिखा रहा हूं, और आपको स्क्रीन पे सभी को दिख रहा होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, बाकी तो हमने पढ़ा तो बहुत कुछ था, ठीक है, वेक्टर्स के टाइप्स एंड एवरीथिंग, मगर ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे कि आई वेक्टर, जे वेक्टर जो यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है, के वेक्टर्स, इनके बारे में आपको डिटेल में बताया था, और ये 3 फॉर्मूलाज बताए थे मैंने आपको। अब हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए, जो हमारा ये चैप्टर है, हम यहां पे आ गए, और मैं थोड़ा सा तुम्हें स्टार्टिंग में रिप्रेजेंटेशन के बारे में सिखाऊंगा, एंड फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 2 पार्ट, जहां पे तुम्हें दिख रहा होगा यहां पे लिखा हुआ है एडिशन एंड सब्स्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, मैं अभी मेरा वीडियो ऑफ कर देने वाला हूं, ठीक है, थोड़ी देर बाद। अगर देखो, जैसे मैं अगर लिखूंगा ना तो ऐसा थोड़ा साइड हो जाएगा, ऐसा बीच में आएगा, तो वो फालतू का डिस्टर्ब ही होगा, क्योंकि आज मेरे पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है, मैं अपने घर पे आया हूँ जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ वहां पे नहीं, तो मैं ये मेरा वीडियो थोड़ी देर में बंद कर सकता हूँ अगर मुझे लगेगा कि इम्प्रॉपर है तो, ठीक है। चलो, सबसे पहले जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो यार बच्चों, बहुत सिंपल सा फंडा है। मान लेते हैं कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं, लेट्स से कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं एक बार, जिससे हमें थोड़ी सी ज्यादा क्लियरिटी हो। तो ये मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है, ये 3 लाइन तो क्लियरली दिख रहा होगा, राइट। अभी यहां पे जरा ध्यान से देखो, ये जो मैंने यहां पे और यहां पे बनाया, ये वाला मेरा है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाला मेरा वाई एक्सिस है, और लेट्स से ये वाला मेरा जेड एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, तो यहां पे एक्स एक्सिस के पास में जो ये होता है, इसको हम लोग आई एक्स एक्सिस, यहां पे सबसे पहले ये जो x एक्सिस के अलोंग जो रहेगा उसको हम लोग i यूनिट वेक्टर होता है, y एक्सिस के अलोंग जो होता है वो j यूनिट वेक्टर होता है, और z एक्सिस के अलोंग जो होता है वो k यूनिट वेक्टर होता है। मैं अच्छे से लिखता हूं तो मैं समझ में आएगा, ठीक है। यहां पे देखो, x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा i कैप, ठीक है। y एक्सिस के अलोंग जो होगा वो क्या होगा, j कैप, और जो हमारे z एक्सिस के अलोंग होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर ना रिप्रेजेंटेशन करना है सबसे पहले, तो मैं मेरा वीडियो बंद कर देता हूं जिससे मुझे थोड़ी सी कम दिक्कतें होंगी रिकॉर्ड करने में, ठीक है, और स्क्रीन पे मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पे देखो, अब बच्चों मुझे क्या करना है, इसी पे ना अलग अलग बार, तो मैं इसको पहले तो कॉपी करके रख रहा हूं, ठीक है, किसको मुझे बार बार इसको वो ना करना पड़े, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो हमें क्या करना है, यहां पे क्वेश्चन है लेट्स से कि हमें इधर रिप्रेजेंट करना है या फिर शो करना है, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा ध्यान से देखना। हमें बोला है कि शो करो एक वेक्टर जो कि है f इज इक्वल टू 3i, ठीक है, ऑन द डायग्राम। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया इसके ऊपर हमें ये वाला वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो यहां से यहां तक बच्चों क्या है, इस ये जो रेड वाला पार्ट है, यहां से यहां तक हमारा क्या है, ये i है, ठीक है, ये i की वैल्यू, तो 3i कितना हो जाएगा, ये 2i हो गया, और यहां से यहां तक 3i हो गया, तो इसका 3 गुना, ये जो भी है हमारा उसका कितना बच्चों, 3 गुना। तो मैं कह देता हूं कि यहां से यहां तक 2 गुना और यहां से यहां तक 3 गुना, तो ये जो हमारा पार्ट मिला है, ये वाला जो एक पॉइंट मिला है, ठीक है, अगर मैं डार्क करके यहां पे एक वेक्टर बना दूं थोड़ा सा और मोटा लाइन लेकर के, ये लाइन जो मैंने ग्रीन वाला बनाया है यहां पे, ये मेरा क्या है बच्चों, ये मेरा 3i कैप, ठीक है, ये क्या है मेरा 3i कैप। इसको थोड़ा और एक्यूरेट हम लिख देते हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो f वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 3i क्या। तो तुम्हें एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल समझ में आ गया कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं, तो उसी पार्ट को मैं यहां पे चिपका देता हूं, ठीक। अब देखो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, लेट्स से कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है, कि आप रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट या फिर शो करो, ठीक है, एफ इज इक्वल टू
एफ वेक्टर इज इक्वल टू, हम एफ इसलिए लेते हैं कि फोर्स हमें आसानी से समझ में आता है, फोर जे कैप। अब तुम्हें पता है कैसे करना होगा, यहां से यहां तक एक जे है, तो यहां से यहां दो हो जाएगा, यहां से यहां तीन हो जाएगा, और यहां से यहां चार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम सिंपली यहां पे यहां से लेकर के यहां तक एक लाइन मार लेंगे इस वाले पॉइंट तक, और हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा है f इज इक्वल टू फोर जे। समझ में आ रहा है, मतलब यहां पे y एक्सिस पे j यूनिट वेक्टर होता है, तो यहां पे हमें दिखा देना है। अब इसी तरीके से बच्चों एक और हो सकता है, मान लो कि k वाला देंगे तो पता तुम्हें, तुम्हें पता है ये k वाला रहेगा, तो यहां पे उस हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चों मान लो ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दिया ठीक है जिसमें थोड़ा सा मिक्स्ड है, रिप्रेजेंट ठीक है वेक्टर v इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप। अब अगर ये मिक्स करके दे दिया है तो मिक्स वाले में थोड़ा सा मचमच है, तो मैं समझाता हूं कि मिक्स वाले में कैसे करेंगे। जरा यहां पे ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा ठीक है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अब जरा यहां पे देखो क्या बोला है, सबसे पहले 2i, तो हमें पता है यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, आई है, तो यहां से यहां तक हम बोल देते हैं कि 2i है, हम बोल देंगे यहां से यहां तक 2i है। और फिर हमको देखे दिया है कितना, दूसरा जो हमें दिया है 3j, तो हमें पता है यहां से यहां तक j है, तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक 3j हो जाएगा। अब क्या करना है ना, I, मतलब x एक्सिस से हमें जहां पे ये z वाला है, ये y वाला है ठीक है, जो j है j, इसके अलोंग एक ऐसे पैरेलल लाइन बनाना है ठीक है। तो मैं पैरेलल लाइन यहां से ऐसे बना देता हूं ठीक है। अब देखो यहां से ठीक है, जो j है वहां से हमें x एक्सिस के लिए एक पैरेलल लाइन बनाना है ऐसे ठीक है। तो लेट्स से कि ये वाला मेरा एक पैरेलल लाइन आ गया, सही है। तो ये पार्ट जो मुझे यहां पे पॉइंट मिला, मुझे ये वाला पॉइंट ठीक है, ये यहां पे मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से बच्चों इस ओरिजिन से लेकर के मैं यहां तक लाइन बनाऊंगा, मतलब एक वेक्टर बना दूंगा बेसिकली। और ये जो मेरा वेक्टर है अभी, जो ये ग्रीन वाला जो वेक्टर मैंने बनाया है, ये ही वेक्टर का मेरा नाम क्या होगा, जो यहां पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वी वेक्टर ठीक है। तो ये हमारा वी वेक्टर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें ऑफकोर्स पता है क्या है, क्या दिया था हमें, टू आई ठीक है प्लस थ्री। तो आई रियली होप कि ये वाला भी तुम्हें वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट तुम्हें थोड़ा सा क्लियरिटी आ गया होगा कि अगर हमारे पास एक वेक्टर दिया है तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक और एग्जांपल लेके थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ठीक है। तो मान लो कि हमें रिप्रेजेंट करना, तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक में ये लिख लेना, मतलब अपने नोटबुक में ये लिख लेना, तो हमें रिप्रेजेंट करना है ठीक है एस वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से जो जिसका वैल्यू है 3j प्लस 2k। सिंपल है हमारा वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके आए हमें 3j, तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि 3j कहां से कहां तक होगा बच्चों। यहां पे हम 3j मतलब यहां से हम लेट्स से कि यहां तक हमारा 3j हो जाएगा राइट। तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा ठीक है। तो यहां से यहां तक हम थोड़ा और मोटा कर लेता हूं मैं इसको ठीक है, ये अब दिख रहा होगा ठीक है। 3j यहां तक है लेट्स से ठीक है, और उसके बाद मैं बोल देता हूं कि 3j यहां तक होगा मेरा, और मतलब यहाँ पे बेसिकली हमें एक पॉइंट बनाना है, सॉरी मैंने गलती कर दी, मैं कह देता हूँ कि 3j हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना लिया j ठीक है, और अभी k वाला वैल्यू दिया तो k वाला यहाँ पे आएगा मेरा ठीक है z एक्सिस पे, तो 2, तो मैं कह देता हूँ यहाँ से यहाँ तक ठीक है। तो मुझे पॉइंट बनाना, फिर से मैंने गड़बड़ कर दिया ठीक। अब मुझे क्या करना है, यहां से एक पैरेलल लाइन बनाना है दूसरे वाले के अगेंस्ट, और यहां से एक पैरेलल लाइन बनाना है उसके अगेंस्ट, जहां पे दोनों मीट करेंगे वहां पे मैं पॉइंट बनाऊंगा, और यहां से मैं यूं एक वेक्टर दिखा दूंगा, यही जो मेरा वेक्टर होगा वो क्या होगा, एस वेक्टर होगा ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे भैया ये तो दो वाला है कि अगर एक्स और वाई दिया है या फिर जेड और एक्स दिया है तो ऐसे दो वाले है, लेकिन अगर मान लो भैया तीनों एक्सिस का वैल्यू हमें दिया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि हमें रिप्रेजेंट करना है ठीक है वी वेक्टर, जिसमें हमें दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप ठीक है, हमें ये दिया हुआ है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले हम बनाएंगे जिससे हमें आसान हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या बोला, 3i कैप, तो सबसे पहले 3i कैप निकाल लो ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं यहां से 3i कैप, रेड कलर से निकालता हूं। तो लेट्स से कि यहां से यहां तक मेरा आ गया 3i कैप ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करना है तुम्हें, 2j, तो यहां से यहां तक लेट्स से कि मेरा 2j आ गया, और क्या है तुम्हारा भाई 5k, तो मैं कहता हूं कि यहां तक मेरा 5k आ जाएगा ठीक है। अब देखो क्या करना है ना बच्चों, बहुत सिंपल सी स्टेप है। इसके लिए तुम्हें पता है यहां से तुम्हें एक पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगा,
इसके लिए बच्चों ये वाले के लिए ठीक है, तुम्हें यहां से एक पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगा, मतलब ये दो पैरेलल लाइन ऐसे मीट करेंगे, कोई बात नहीं, मस्त है, अच्छी बात है, यहां से ये जाएगा ऐसे और यहां से ये आएगा ऐसे, ये दोनों मीट कर गए, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास यहां पे इसके अगेंस्ट भी कुछ है, तो हम क्या करेंगे यहां से, ठीक है जरा ध्यान से देखना, मैं स्केल लेके आके आ रहा हूं, ठीक है बच्चों, मैं एक मिनट, मुझे दो व्यू में मैं स्केल ले लेता हूँ, रूलर, तुम्हें को रूलर दिख नहीं रहा होगा, स्क्रीन पे नहीं दिखेगा तुम्हें रूलर, यहां से यहां तक है ना बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है, ये वाला जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट से बच्चों मुझे सीधे यहां तक, मतलब ये ऐसे समझो, एक मिनट बताता हूं, पहले तो हमें यहां से पांच जो भी आ रहा है यहां तक एक लाइन बनाना है, ठीक, तो मैं ऐसे लेट से कि एक लाइन बना लेता हूं, ठीक, यहां से यहां तक मैं एक लाइन बना लेता हूं, और फिर मैं इसको थोड़ा सा ज्वाइन करूंगा, तो जो मेरा रेड वाला एक लाइन है मैं उसको कंटिन्यू करता हूं यहां से, लाइन बन रहा है क्या, लाइन क्यों नहीं बन रहा भैया, ठीक है यहां तक गया लेट से, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे इसको ऐसे जोड़ लेंगे यहां पे। अब बच्चों ओरिजिन से, ठीक है ध्यान से सुनना, ओरिजिन से इस पॉइंट तक, ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला, यहां तक मुझे एक लाइन बनाना है, मैं एक लाइन बना लेता हूं ओरिजिन से इस पर, ये जो ग्रीन कलर का जो मैंने वेक्टर दिखाया तुम्हें, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से मैं वेक्टर दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, इसको मैं येलो कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूं, येलो से नहीं दिखेगा, रेड से दिखेगा, ठीक है, ये वाला वेक्टर, ये वाला, ठीक है, जो ग्रीन कलर का है, इसी वेक्टर को हम लोग यहाँ पे वी वेक्टर बोलेंगे, यही हमारा वी वेक्टर होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2i कैप + 3j कैप, आई थिंक, नहीं 3i कैप है, ठीक है, 3i कैप + 2j कैप + 5j, ये थोड़ा सा देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ भैया ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट विथ प्रैक्टिस तुम्हें आ जाएगा, वैसे एग्जाम में ये ज्यादातर नहीं पूछता है, लेकिन इनकेस अगर ऐसा कुछ पूछते भी है तो अब तुम्हें पता है कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉल्व करो बच्चों। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर तो हो गया, अब हमें ऑपरेशंस ऑन वेक्टर को करना है। हेलो सुपर लर्नर्स, अनअकैडमी आपके पुनः डिमांड पे एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर को वापस लेकर आया, द ऑफर इज अनबॉक्स। इसमें क्या है कि अगर आप एक साल या उससे ज्यादा समय का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे लेते हो फॉर क्लास 9 to 12 महाराष्ट्र बोर्ड, तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब देखो यहां पे आपके मन में 2 सवाल आने चाहिए, भैया ये जो 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा इसका मैं क्या करूंगा, क्योंकि एक साल में तो मेरा पढ़ के हो जाएगा, और दूसरा कुछ और डिस्काउंट मिलेगा क्या। तो देखो सभी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक साल का अगर सब्सक्रिप्शन या फिर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 3-6 महीना कोई भी, तो ये मेरा जो कोड है SJSUPER10 जो कि यहां पे दिख रहा है, इस जगह पे आपको डालना होता है, ये डाल के आपको इमीडिएटली 10% का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। अच्छा, अब अगर आप ये 12 मंथ्स या अबव का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 6 महीना एक्स्ट्रा और मिलेगा। अब तुम्हें पता है 6 महीने की जो सब्सक्रिप्शन का वैल्यू है वो है 9,200 रुपए, तो इस अमाउंट का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोड ये है SJSUPER10, ये जरूर डाल देना। भैया अब ये सब्सक्रिप्शन का करेंगे क्या, देखो बच्चों तुम जैसे कि अभी 10th में हो या फिर लेट से तुम 9th में हो या 11th में हो, जिस भी क्लास में तुम, अगर लेट से मैं 10th के बच्चे का एग्जांपल लेता हूं, आप अपने क्लास के हिसाब से समझ लेना, तो एक 10th का बच्चा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेगा तो पहले पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड पढ़ेगा, ऑल सब्जेक्ट इन वन सब्सक्रिप्शन। इसके बाद जो हमारा बालक है वो बचे हुए 6 महीने में 11th स्टैंडर्ड पढ़ सकता है, क्योंकि बच्चों जब आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो 9वीं कक्षा का, यहां पे आपको दिख रहा है ना, ठीक है, तो आपको 10वीं 11वीं और 12वीं का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है अकेडमी प्लस पे, अमेजिंग। तो जो कोड है वो है SJSUPER10, सभी लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जो लोग भी सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे थे, दिस इज द राइट टाइम टू टेक अ सब्सक्रिप्शन। हैप्पी लर्निंग फ्रॉम माय साइड, चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड SJSUPER10। हैप्पी लर्निंग वंस अगेन। ठीक है, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, ये तुम्हारे बुक में है और ये हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स एक्सप्लेन करता हूं कि हमें क्या क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहला ऑपरेशन ऑन वेक्टर जो हमें करना है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे मल्टी, ठीक है, प्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, तो इमेजिन करो, ठीक है बच्चों, सोच के देखो क्या बोलने की क्या कोशिश की जा रही है यहां पे, कि तुम्हारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है,
ठीक है, उसको तुम मल्टीप्लाई कर देते हो एक वेक्टर क्वांटिटी से, तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये अपना इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को पूछा जा रहा है। तो तुम्हें जो मिलेगा वो भी एक वेक्टर होगा। भैया एग्जाम्पल दीजिए, मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, स्केलर एक मास स्केलर क्वांटिटी है, तुम बोलोगे हाँ। वेक्टर क्वांटिटी एक्सलरेशन है, तुम बोलोगे हाँ भैया। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, मास इंटू एक्सलरेशन, तुम बोलोगे भैया फोर्स आता है। फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि जब भी हम स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। अच्छा जनाब, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और क्लियरिटी लाते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना मास। ठीक है, अब यहां पे ना बच्चों एक चीज याद रखना, ना तो तुम्हें ऐसे डॉट दिखाना है ना तो तुम्हें ऐसे मल्टीप्लाई दिखाना है। क्यों? बस एक थोड़ा सा स्पेस दिखाओ और फिर वहां पे एक्सेलरेशन दिखाओ। अब मैंने मास के ऊपर, देखो मैंने मास के ऊपर ना ऐसे लाइन मारा, क्या ऐसा मारना सही होगा? नहीं, मास एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमें ऐसे नहीं करना है, मैंने गलती से कर दिया। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलर, ना डॉट ना मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू फोर्स। तो ये हमारा एक सिद्ध एग्जाम्पल हो गया जिससे हमने ये वाला पहला वाला जो टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ, ठीक है, स्केलर बाई वेक्टर या फिर वेक्टर बाई स्केलर, ये वाला सबको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों एक और पॉइंट है हमारा इसी में, वो समझते हैं। ठीक है, जो आज का हमारा आखिरी पॉइंट है वो है एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। लाइन थी टेढ़ा दिख रहा है, अब सीधा हो गया। अभी देखो यार, पहले कुछ रूल्स समझते हैं। ठीक है, पहले कुछ रूल्स को समझ लेते हैं, क्योंकि रूल्स को समझ लेंगे तो जिंदगी थोड़ी प्यारी सी बीतेगी हमारी। ठीक है, हम एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? मान लो कि मैं अगर किसी भी वेक्टर का एडिशन कर रहा हूं या फिर सब्स्ट्रैक्शन कर रहा हूं। ठीक है, एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या है? का मतलब है उनका रिजल्टेंट निकालना, उनका रिजल्टेंट निकालना। ये वाला सबको क्लियर है कि अगर मैं किसी भी स्केलर या वेक्टर को ऐड कर रहा हूं उसका सबसे पहले, ठीक है, मतलब क्या होता है कि हम उसका क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। अभी जरा मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे रूल्स लिखने से ज्यादा अच्छा होगा नोट, क्या वैसे नोट लिखते हैं। ठीक है, तो नोट। अच्छा, दूसरी बात जो हमें याद रखनी है यहां पे वो है कि बच्चों सेम काइंड्स ऑफ वेक्टर कैन ओनली बी एडेड। ठीक है, सेम काइंड्स ऑफ वेक्टर्स कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इससे भैया क्या बोलना चाह रहे हैं आप ये बताओ। तो इससे भैया तुम्हें ये बोलना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल से समझा देते हैं। ठीक है, कि अगर तुम एक वेलोसिटी वेक्टर को दूसरे वेलोसिटी वेक्टर के साथ ऐड कर रहे हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। अगर तुम एक फोर्स वेक्टर को फोर्स वेक्टर के साथ ऐड कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम वेलोसिटी वेक्टर को फोर्स वेक्टर के साथ ऐड करोगे तो ये नहीं चलेगा। बात समझ में आ गया? अब देखो यार, यहाँ पे ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जब हम एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना तो इसके साथ कुछ रूल्स आएगा जो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको अपने को बहुत ही आराम से समझना है, कि केसेस अगर समझ में आएगा ना तभी आगे समझ पाओगे। तो बहुत ही प्राचीन काल में जब तुम थोड़े छोटे थे तो तुमने देखा होगा कि मान लो ये एक लाइन है, ये एक डॉट है, ठीक है, ये एक डॉट है और ये एक डॉट है, और इन तीनों डॉट में से अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि जनाब एक लाइन पास करिए तो तुम ऐसे एक सीधा लाइन बनाते हो। ठीक है, और तुम कहते हो ये जो लाइन है ना ये कलेक्शन ऑफ डॉट्स है और ये डॉट्स कैसे कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में ऐसे बहुत सारे डॉट आ रहे हैं। तो कोलिनियर मतलब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, जो एक ही लाइन में आते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ये तुम्हें आता ही होगा ऐसा मैं अजूम करके चलता हूं। ठीक है, अच्छा मुझे साथ में एक चीज और देख लेने दो कि हमारा माइक का सेटिंग भी ठीक है ना, क्योंकि माइक अभी थोड़ा सा ना चाहते हुए भी हिल गया था। चलो तो बच्चों इसी बात पे समझते हैं। तो अगर मान लो कि तुम्हारे पास दो वेक्टर्स है, ठीक है, अब यहां पे सुन लो, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है, अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर पैरेलल है,
तो इस केस में जो तुम यहां पे परफॉर्म करोगे वो होगा एडिशन। भैया एग्जांपल्स एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल भैया एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मान लो कि बच्चों यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे लेट से कि कोई एक फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है F1, ठीक है। अब दूसरा एक और फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है F2, ठीक है। अब ऐसे केस में तुम्हें कहा गया कि इसका रिजल्टेंट निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे? हम दोनों को ऐड कर देंगे। हम बोलेंगे कि यहां पे जो इस पे टोटल फोर्स लग रहा होगा वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, और वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा हमारा फोर्स F1 और फोर्स F2 को। बस सिंपल है, जो भी वैल्यू रहेगा उसको ऐड कर देना और एक आंसर मिल जाएगा तुम्हें। तो ये भाई साहब हो गया एडिशन के बारे में। ये ऐसा हम तब करते हैं जब कोलिनियर फोर्सेस होते हैं, मतलब फोर्सेस जो हैं वो एक ही लाइन में है, पैरेलल है एक दूसरे से बेसिकली। ठीक है, अब तुम एक चीज और इमेजिन करो। अब यहीं पे तुम्हें एक ज्ञान देता हूं मैं। इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, तीसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, चौथा फोर्स ऐसे लग रहा है। अब क्या ये सारे फोर्सेस एक ही लाइन में कोलिनियर है? नहीं है, तो इसके लिए कुछ और रूल रहेगा। चलो ठीक है, वो भी रूल देखेंगे बाद में। अभी हम आगे आते हैं। अगला देखो क्या है, अगला पॉइंट है, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। भैया एंटी पैरेलल मतलब कि ये पैरेलल नहीं है। इसका इस समय में हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। बच्चों एग्जाम्पल से समझाइए भैया, ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो ये लीजिए, मान लीजिए कि एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स यहां पे रखा हुआ है। अभी हमने नंबर ले लेंगे, ठीक है, नंबर लेंगे तो ज्यादा बेटर समझना है। यहां पे मान लेते हैं कि एक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स है F1 और इसकी जो वैल्यू है वो है लेट से 10 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है तो इस पर हमने लाइन दिखा दिया। मान लेते हैं कि एक और यहां पे इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है और ये जो फोर्स है ये भी इस पे भी एरो हम ऐसे दिखाएंगे, ये है लेट से 12 न्यूटन। अभी हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो अब इसका जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, अब जो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे, देखो हम यहां पे एक फोर्स ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे हम कहेंगे कि भैया क्या लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे करना क्या है। एक्चुअली देखो सबसे पहले ये समझो कि करना क्या है। ठीक है, करना हमें ऐसा है कि जो बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला कौन है, ये F2 है, सॉरी, ठीक है, F2 है। तो हम बोलेंगे जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, एरो हमेशा ऐसे दिखाते हैं, मैं बार बार तुम्हें बोल चुका हूं, तो बड़ा वाला जो कि F2 है, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे छोटा वाला जो कि F1 है। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो बाइज्जत के आने वाला है, 12 में से 10 हटा दीजिए तो आंसर आएगा तुम्हारा 2 न्यूटन, क्योंकि न्यूटन में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है और वो 2 न्यूटन का है, वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब देखो तुमने, हालांकि फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है लेकिन एरो जो मैं दिखा रहा हूं वो ऐसे ही दिखा रहा हूं, क्योंकि एरो हम हमेशा ऐसे ही दिखाएंगे। क्लियर है? तो ये हमने इसका रिजल्टेंट निकाल लिया। तो सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये भी तुम्हें अब एक आइडिया इसके बारे में भी आ गया हो। अब मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक खोल रहा हूं मैं, ठीक, ये थोड़ा टेक्स्ट बुक खुला है। अब तुम्हें यहाँ पे हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, फट 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 फट, स्क्रीन थोड़ा ब्लरी सा हो रहा हो बट कोई बात नहीं। अब ये तुम्हारा इसी स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज है, इधर से ज्यादा बेटर होगा कि अगर मैं यहां से खोल लूं। ठीक है, यहां से अगर खोलूंगा तो कॉपी करने में आसानी होगी। सही, दूसरे चैप्टर में तो नहीं चला गया, लग रहा है दूसरे चैप्टर में चला गया। पेज नंबर क्या है भाई, ये पेज नंबर 29 है और हम लोग यहाँ पे 42 पे आ गए। बोलो 29, ये 29, ये जो पहला क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन, ये अपने को अभी सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे चिपकाता हूँ मस्त। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टेक्स्ट बुक एक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का हम पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं और इसको अभी हम मस्त चिपकाएंगे कि हमें यहाँ पे दिखेगा कि ये क्वेश्चन, ठीक है, और इसको अभी हमें सॉल्व करना है। कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू, हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है दो फोर्सेस का, जैसे हम पीछे कर रहे थे, एक 10 न्यूटन एक 15 न्यूटन है, दोनों एक्ट कर रहा है, एक एक्स पॉजिटिव एक्स और एक नेगेटिव एक्स पे एक्ट कर रहा है, तो हमें इसमें से आंसर निकालना। वैसे जो आंसर है वो राइट वो सी है, बट कैसे करेंगे वो जरा देख लेते हैं।
तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, जैसा कि यहां पे दिया है, एक फोर्स है यहां पे इस पॉइंट पे, अगर मैं मानता हूं तो इस तरफ मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लूंगा और इस तरफ मेरा निगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा छोटू सा प्यारा सा लिख देते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स है और ये हमारा निगेटिव एक्स है, जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दो फोर्सेस है, 10 न्यूटन वाला जो फोर्स है वो पॉजिटिव की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्टिवली ये वर्ड यूज हुआ है, पहले 10 है और यहाँ पे पहले पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि 10 न्यूटन का जो फोर्स है, तो मैं इसको कह देता हूँ F1, वो है 10 न्यूटन का फोर्स। दूसरा फोर्स जो है F2, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स है तो ऊपर ऐसे दिखा देंगे, वो हमारा है 15 न्यूटन का, ठीक है, और उसका डायरेक्शन निगेटिव की तरफ है। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, इज इट अ हार्ड जॉब, तुम्हें मैंने सिखाया है, यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम क्या करोगे, एंटी पैरेलल है तो सब्सट्रैक्शन करोगे, ठीक है। तो तुम्हें पता है रिजल्टेंट में जो बड़ा है उस डायरेक्शन में जाएगा हमारा फोर्स, और दोनों में से हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट के लिए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा भाई, F2 - F1 हो जाएगा, सही बात है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 15 - 10, 5 न्यूटन हुआ, और कौन से डायरेक्शन में, यहां पे हम लिख सकते हैं अलोंग द निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स। तो इस लॉजिक से जो हमारा सही जवाब निकला है वो है ये हमारा सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ी क्लियरिटी भी आ गया होगा कि किस तरीके से बच्चों हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं टेक्स्ट बुक खोल के तुम्हें कुछ दिखाऊं, ठीक है, हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक खोलता है तो हमने क्या क्या पढ़ लिया वो देख लो, जा लेक्चर थोड़ा स्लो आ रहा है, कारण है कि यार मैं थोड़ा बाहर हूँ, बट फिर भी देखो मैं आज रिकॉर्ड करके डाल ही रहा हूँ। अभी हमने यहाँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया है, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया है। अभी इसमें हम लोग जो करने वाले हैं अगले लेक्चर में, जो कि कल आएगा पक्का, वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको बहुत अच्छे से करेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो भी है, फिर लॉ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, ये भी कल ही कर लेंगे और इस पे भी कुछ क्वेश्चन है वो भी हम कर लेंगे, फिर यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला जो पॉइंट होगा वो हम बाद में करें, ठीक है। तो ये दो हम कल करने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर, ठीक है, वॉचिंग। अब देखो मैं फिर से प्रस्तुत हो जाता हूँ, ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर, देखो मुंह देख रहे हो कैसा हो गया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, इन वीडियोज को शेयर करो कि और भी लोगों तक जाए और हमारे चैनल का ग्रोथ। आप पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई भी डाउट आता तो प्लीज मुझे बताना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो भी पढ़ाया है सबका नोट्स डाल दूंगा। हैप्पी लर्निंग।